हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फिर से नए डिज़ाइन का टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये 6 कोने का फ्रेम पे 9 बार ऊन को लपेट लिया है। सिंगल ऊन है ये। और इसी तरह से हम चारों साइड से पहली कील पे 9-9 बार इस सिंगल ऊन को लपेट लेंगे। ये मैंने चारों साइड से लपेट ली। अब ये देखिए, हम यहाँ से ये जो हमारी बीचों बीच की 3 कीलें हैं, इन पे हम ऊन को ऐसे ही लगा लेंगे 9-9 बार। तो मैंने इन 3 कीलों पे लगा लिया। और फिर यहाँ से हमें बिल्कुल सामने सामने वाली कीलों पे लगाना है। अगर हम इधर उधर लगाएंगे तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही इसको लगा लेना है। अब हम ये वाइट ऊन को डबल करके यहाँ से दूसरी वाली कील से इस तरह से लगाएंगे। हम जो इस तरह से ऊन लगाते हैं, इसको लगाने से इसको कटिंग करने में आसानी होती है। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। और इस ऊन को हमें ऐसे ही तीनों साइड से लगा लेना है। ये देखिए, तो इसको भी हम ऐसे ही लगा लेते हैं। हमने इसके 15-15 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं तीनों साइड से। अब हम फिर से वही डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने फर्स्ट टाइम बनाया था। उससे क्या होगा, दोनों साइड से ही हमारा एक जैसा हो जाएगा। तो मैंने ये सेम ऐसे ही बना लिया। और अब हम इसको ये देखिए गांठे लगाएंगे। गांठे लगाना इसमें बहुत ही आसान है। हमें चारों साइड से इसमें अच्छे से गांठे लगा लेनी है, टाइट गांठे लगानी है। आप इसमें अपने हिसाब से छोटा या बड़ा साइज बना सकते हैं, आपको जितना बड़ा साइज चाहिए। तो इसी तरह से हम इसको चारों साइड से लगा लेंगे। वाइट वाले में हमें वाइट गांठ लगानी है और इसमें मैरून वाले में मैरून से गांठे लगानी है। तो हमने सब में गांठे लगा ली। अब हम इसको ये देखिए ऐसे काटेंगे। इसको काटने में बड़ी आसानी होती है हम अगर ऐसे धागे को लगाते हैं तो चारों साइड से ऐसे ही काट लेंगे हम। तो ये मैंने काट लिया और ये देखिए कटने के बाद कितना अच्छा लुक आया है इसका, और बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी को दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।